मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपसे कि हम जैसे देखते हैं या फिर मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर एक प्रीस्ट थे जो पंडित थे वो एक चैंट बोलते हैं और वो उस चैंट से आग लगा देते हैं, मतलब एक मंडप में आग लगा देते हैं सिर्फ एक चैंट से। और कहीं कई लोग बिलीव करते हैं कि सिर्फ चैंट्स को हम रिवाइज करने से बोलने से उनके अंदर एक हीलिंग पावर है जो हमारे चैंट्स डिस्क्राइब है वेदास में, तो एक हीलिंग पावर आती है कि कैसे हम एक ऐसी बीमारी जिसका मेडिकल साइंस के पास इलाज नहीं है, ऐसी रिकवरीज हैं जो सिर्फ इसी योग से इसी मेडिटेशन से ठीक हुए हैं। तो अब इसके पीछे तो जरूर एक साइंस होगी कि कैसे इन चैंट्स में ऐसी कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमारे अंदर ऐसा काम करती हैं या फिर इन एनवायरमेंट ऐसा काम करती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने अभी बोला कि वो पंडित जो होते वो थे, एक ऐसी वीडियो मैंने भी देखी है जो एक मंत्र बोलते हैं और आग लग जाती है और लोग उसको बिलीव भी करते हैं कि आग लग गई। तो बेसिकली आई डोंट बिलीव इन दिस, वो मंत्र बोला और आग लग गई, ठीक है, उसमें कोई ना कोई जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ करा हुआ है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता होगा कि ऐसा होता हो। लेकिन बेसिकली ये चीजें ऐसे ग्रंथ थे, ऐसी चीजें थी, लेकिन अब वो नहीं है, वो चीज नहीं रही है। इवन जब हम सबसे ओल्डेस्ट वैदिक रिचुअल्स करते हैं जिन्हें हम श्रौत कर्म कहते हैं, उनके अंदर भी वी डू अरणि मंथन, मतलब एक डिवाइस होता है जो वैदिक काल का है, उससे हम आग को बनाते हैं और फिर स्थापित करते हैं, मंत्र से एकदम से नहीं कर देते। तो शायद जो लोग ऐसा करते हैं वो थोड़ा उसको चमत्कार टाइप दिखाने के लिए उसको ऐसा कर देते हैं, लेकिन यू आर टॉकिंग अबाउट हीलिंग, तो हीलिंग जो है वो रियल है, ठीक है। There are many research you can see on internet or many of the pages are showing them. बहुत सी research है जिससे बहुत सी ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं हो रही थी वो एक certain प्रकार का एक daily basis पे उस मंत्र को सुनने से, बोला कि योग से और meditation से क्या खाली बीमारियां ठीक हो जाती है, तो डेफिनेटली होती है, क्योंकि योग कोई मंत्र नहीं है, मंत्र भी इंटरनल हम बोलते हैं, तो बोलने से वो जो वाइब्रेशंस बनती है वो असर करती है। दूसरी बात, जो आपने बोला योग एंड मेडिटेशन, वो तो पूरा प्रैक्टिकल एक इलाज है, प्रैक्टिकल थेरेपी है। हम जब प्राणायाम करते हैं तो वो इतना डीप सिस्टम है, हमारे कितने ब्लड सेल्स बन जाते हैं और कितने हमारे शरीर के जो हार्मफुल सेल्स है वो खत्म हो जाते हैं सिर्फ प्राणायाम करने से। तो ये तो साइंटिफिक है, तो प्रूव्ड है कि मेडिटेशन, प्राणायाम और उसमें नियमों का पालन जो है वो डेफिनेटली हम लोगों को बिल्कुल हेल्दी रखता है। और जो मंत्र थी कि जब हम सुबह, हमारे एक बहुत अच्छी परंपरा रहती है कि सुबह के टाइम हम सहस्रनाम का पाठ करते हैं, तो उससे एक अलग ही हमारे ब्रेन में एक एक्टिविटी होती है, मतलब हमारा माइंड पूरा काम हो जाता है। तो ये रियल में फील होता है, जो लोग इस चीज को चैंटिंग करते हैं, जो लोग जानते हैं उन्हें पता चलता है। इवन बहुत से ऐसे मंत्र है जिनको बोल लेने से बहुत सी चीजें दूर हो जाती है। और कैसे होती है उसका मैं इंस्टेंस दूंगा कि आप एक चीज करिए कि आप खुद को हमेशा रोज बोलिए कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं प्योर सोल हूँ, मैं मेरे में कमियां नहीं है, मैं अच्छा हूँ। आप डेली इस चीज को बोलिए, मैं अच्छा हूँ यार, मैं अच्छा हूँ, सब अच्छे। तो आप देखेंगे जब कंटिन्यूसली चीज को बोलेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब आप रियली में अच्छे हो जाएंगे। बेसिकली आपका वैसा कहा आप सबसे बड़ा पापी हो, लेकिन जब आप रियली 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 उस चीज को एक्सपीरियंस करोगे, नहीं यार ऐसा नहीं है, मैं अच्छा हूँ, सब हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम कोई मंत्र बोलते हैं, कोई स्पेसिफिक चीज बोलते हैं, तो हम उसमें क्या बोलते हैं, हम यही बोलते हैं कि अगर हम किसी भी मोटिव से कर रहे हैं तो यार मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, तो डेफिनेटली होंगे। हम अपनी एक हायर कॉन्शियसनेस में कह रहे हैं, हम श्री रुद्र में कहते हैं मानो महानतम उतमान और फकम मानो क्षंतम उतमान उक्षतम, कि भगवान तुम जो भी हो, जो भी एक जब हमें दुख आते हैं तो जो दुख हमें मिलता है ना लाइफ के अंदर, इन वैदिक कल्चर भी से कि जो रुद्र एक रुद्र फॉर्म है, तो रुद्र जो भगवान का फॉर्म है वो फॉर्म है जिसमें हम दुख पाते हैं, तो हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ऐसा मत करो मत करो मत करो मत करो। तो डेफिनेटली जब बार 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 उस चीज को बोलते, तो बेसिकली हम किसी और से नहीं कह रहे हैं, हम अपनी ही कॉन्शियसनेस को ये फील करा रहे हैं, ये उसको बता रहे हैं कि नहीं
तुम्हें और हायर जाना है, तुम्हें इस पे नहीं रहना, तुम्हें डेफिनेटली असर करता है। अरे वाइब्रेशंस, एक आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक है, ही इज डूइंग रिसर्च ऑन वैदिक स्क्रिप्चर्स, और उन्होंने बहुत रिसर्च करी, उन्होंने ये कहा है कि मैं 1000% इस चीज को सिद्ध कर सकता हूँ कि जो भी वैदिक मंत्र है, जितने भी वैदिक मंत्र है, दे आर एक्चुअली द वाइब्रेशंस ऑफ दिस यूनिवर्स। ये कोई उल जलूल हवा में नहीं आ गया, ये रियल में वो वाइब्रेशंस है जो इन मंत्रों में ट्रांसफर हुई है, इन मंत्रों के रूप में आई हैं, और उसको प्रूव करते हैं। और ये जो स्कॉलर IITN वो एक्चुअली वो प्रोफेसर है, तो उन्होंने इस चीज को प्रूव करा है। तो डेफिनेटली मंत्र वर्क करते हैं, लेकिन कोई एक चमत्कारी वाली चीजें की अभी देखो आग निकालूंगा, अभी पानी पे आदमी को चलाऊंगा, वो सब चीजें मेरे हिसाब से तो बस मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि हम उतनी चीजें वो सब पढ़ते भी नहीं है। पहले कभी ये चीजें रही होगी, और उसमें भी वाइब्रेशंस का ही काम है, उसमें भी उन अणुओं का ही काम है, लेकिन आजकल कहते हैं ना कुछ भी, कोई भी बाबा कुछ भी कर देते हैं, वो चीज मेरे हिसाब से तो फेक है, ऐसा नहीं होता। जैसे आज के समय में भाई हम बात करते हैं कि एक डीप चीज पर एक लॉजिकल थिंकिंग के साथ हम डिस्क्राइब करते हैं वैदिक चैंट्स को, कैसे फ्रीक्वेंसी को रिलेट कर सकते हैं हम अपनी बॉडी के साथ, और कैसे ये चैंट्स हेल्प करते हैं हमारी हीलिंग में। किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज को पाना है, अगर हम वो चैंट करेंगे तो हमें वो चीज मिल जाती है अफर्मेशन से। भाई इसी के साथ जब हम अपनी पौराणिक कथाओं को देखते हैं, कुछ लोग उन्हें माइथोलॉजी कहते हैं, मिथ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं इनके प्रूफ हमारे पास हैं, ये सारी चीजें असली हुई, जैसे राम सेतु था और भी सभी चीजें जो रामायण काल या महाभारत काल की आज दुनिया में प्रेजेंट है, चैरियट्स जो बरनाबा में अभी एक्सक्लेवेशन से मिले हैं, ये सही ने जब रिसर्च किया। तो अगर हम साइंस को कनेक्ट करें हमारे पौराणिक कथाओं के साथ, तो उसमें डिस्क्रिप्शन है आर्टिफिशियल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, कि कैसे कौरवों के भाइयों को डेवलप किया गया उन मटकों में, जो आज के समय में भी पॉसिबल नहीं है। आज भी लाखों रुपया खर्चा आता है एक IVF बोर्न किड के लिए। तो वो क्या समय था जब ये बच्चे एक समय पे इतने सारे बच्चे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिन्हें की गई। साथ में रामायण काल में डिस्क्रिप्शन है विमानों का, कि कतार थी रावण के पास इन विमानों की, पुष्पक विमान की, जो साउंडलेस एक विमान था, और क्या स्पीड थी उसकी। आज हम कंपैरिजन करें किसी भी एयरक्राफ्ट से तो साउंडलेस जहाज होना तो आज के समय में पॉसिबल नहीं। तो क्या वो साइंस थी, लोग उन्हें माया कहते थे, क्या ये सिर्फ एक माइथोलॉजी है या फिर ये भी असलियत है? कि देखिए आजकल क्या